विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ी हुई हैं और गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। केवल एक प्रत्याशी अभी मेरठ की 7 विधानसभा सीट में नहीं उतरा है, लेकिन अभी हाल ही में दक्षिण विधानसभा सीट पर यहां आदिल चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। पुराने समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और संघर्षशील हैं। ऐसे में इनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यह क्षेत्र में उतरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ये फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से इस सीट पर यह अपना परचम लहराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आदिल भाई। ये बताइए, काफ़ी समय से प्रयास रस्ते के यहाँ से टिकट हो जाए और इस बार टिकट हुआ है, गठबंधन ने आप पर विश्वास जताया है, तो क्या मानते हैं किस तरीके से सीट को आगे ले जाएंगे, किस तरीके से निकालेंगे? देखिएगा, हमारी पार्टी ने मुझे लगातार तीसरी बार सिंबल दिया है। 2012 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा, 50,000 वोट मिला, और 17 में मुझे सिंबल दिया और लास्ट में हमारी सीट कांग्रेस पर चली गई और अभी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया। तो मैं अपने नेता का दिल की गहराई के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे नेता ने मुझे तीसरी बार सिंबल दिया है समाजवादी पार्टी का। आदिल भाई, जहाँ मैं मौजूद हूँ ये ठीक मुझे लगता है आपके घर है, यहाँ आप रहते हैं, लेकिन उसके सामने कैमरा से कहूँगा दिखाएं, ये दिखाएं जनप्रतिनिधि जो 2-3 बार सिंबल ले चुका है, विधायकी का टिकट ले चुका है, लेकिन उसके सामने के हालात नर्क बने हुए हैं। आदिल भाई, ऐसा क्यों है? ये भारतीय जनता पार्टी का, ये यही नहीं, हमारी पूरी दक्षिण विधानसभा के अंदर, शहर के अंदर, सब जगह यही हालत है। इन्होंने 5 साल कोई काम ही नहीं कराया। ये लोग झूठे हैं, झूठा वादा करने वाले लोग हैं। इन्होंने कोई 5 साल में काम नहीं किया और सब जगह पूरे हमारी विधानसभा के अंदर सब जगह यही हाल है। सब जगह आप जहाँ भी निकलोगे वहीं ये हाल है, आप जिधर भी चलोगे इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, जबकि हमारी समाजवादी पार्टी और हम लोग दिल जोड़ने की बात करते हैं और हम सबको साथ लेके चलते हैं। और इंशाल्लाह 10 मार्च को अखिलेश जी शपथ लेंगे और आप देखना कि जैसे हमारी सरकार में 12 से 17 तक जो विकास हुआ था, जिस तरीके से काम हुआ था, इंशाल्लाह फिर वही उसी तरीके से काम शुरू हो जाएगा, फिर यही काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है इस बार विकास के मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा हावी रहेंगे या फिर वही जाति आधारित तो धर्म आधारित राजनीति? वो तो सब खत्म हो गया। आज एक जन सैलाब पूरे उत्तर प्रदेश में सब अखिलेश जी के साथ है, वो चाहता है कि हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। आप पूरब से पश्चिम तक लेको, एक हवा चल रही है, बहुत तगड़ी हवा चल रही है और सब लोग, उन्हें पता है कि एक ही विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता है, वो समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन। आदिल भाई, दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से आप आगे चले जाएंगे तो आप देखेंगे सड़कें तो है ही नहीं, मैंने खुद दिखाया है और अब मैं दोबारा भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं इन कामों को कराने में आपको अगर विधायक बनते कितना वक्त लगेगा और जो काम ये इलाके वंचित रह गए, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सौमेंद्र तोमर जो यहाँ के विधायक रहे हैं भाजपा के, वो दिखाई नहीं दिए? मैं कह रहा हूँ कि ये एक ही नहीं, पूरे जिले के अंदर इन्होंने कहीं कोई काम नहीं कराया। और आपने देखा कि जब हमारी 2012 में सरकार बनी थी तो हमने कम से कम 200 करोड़ रुपये के काम दक्षिण विधानसभा में कराए, हमने शहर में काम कराए, तो हमने तो कहीं छोड़ा ही नहीं कहीं। और हमने ना हमारी सरकार के अंदर भेदभाव था, हम जहाँ भी सड़क कहीं टूटी हुई होती थी वो ही बन जाती थी। बहुत हमारी सरकार के अंदर विकास काम हुआ और जैसे पहले होता था, और इंशाल्लाह अब के उससे भी ज़्यादा हम काम कराएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ आदिल भाई, यहाँ से सौमेंद्र तोमर को दोबारा टिकट दिया गया भाजपा के माध्यम से, लेकिन समाजवादी पार्टी से आप हैं गठबंधन से, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कुंवर दिलशाद को उतारा है, तो क्या मानते हैं इससे क्या कितना फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। तो बसपा कहाँ है? बसपा कहीं नहीं है, वो तो पूरे प्रदेश में आप देखते हैं कि बसपा का क्या हाल है, बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है, आपके भाजपा भी कहीं हमारे साथ लड़ाई में नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केवल और केवल अखिलेश यादव उन पर निशाना साधते रहे, भाजपा का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उन्हें अखिलेश जी से खतरा है ना, उन्हें दिख रहा है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अखिलेश जी से जिससे खतरा होगा उससे ही तो वो करेगा आदमी। खतरा क्यों है? भाजपा भी तो मुख्यमंत्री अपोजिट नहीं, भाजपा तो कहीं लाइन में नहीं है। भाजपा को तो सब देख लिया आपने कि पहले ये योगी जी को मथुरा लड़ाने चले थे, फिर अयोध्या और अब गोरखपुर ले गए। बताओ तुम कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं गठबंधन की? देखो, हमारी 300 से ज़्यादा सीट आएंगी। 300 से ज़्यादा। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी विधानसभा में अगर बात करूँ तो कितने वोटों से आप जीतने का दावा करते हैं? देखो, हम कम से कम 50,000 वोटों से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो कौन से काम रहेंगे सर सबसे पहले आप कराएंगे, जो कि आपके घर के सामने की हालत देखें? देखो, पहले तो हम ये सड़कों के काम कराएंगे, जो सड़कें टूटी पड़ी, यही नहीं मैं कह रहा, पूरे क्षेत्र के अंदर ये सब जगह यही हालत। भाजपा ने तो वादा किया था सड़क गड्ढा मुक्त कर देंगे, उन्होंने तो वादा ये भी किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। बताओ किसको नौकरियां मिली? इन्होंने कहा 15 दिन में हम किसानों का गन्ने का भुगतान कर देंगे। बताओ, आज भी 1,000 करोड़ रुपये गन्ने का किसानों का बकाया है, पुराने सालों का नहीं। और आपने देखा कि जब
कांग्रेस की सरकार की थी तो डीजल और पेट्रोल का रेट 60-62 रुपये होता था, आज 100 रुपये से ऊपर रेट है डीजल पेट्रोल का रेट। आज गैस का सिलेंडर 900 से 1000 रुपये है, जब 450 का होता था ये लोग सड़कों पर आ जाते थे। तो ये सब आपके सामने है, ये तो झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ आदिल चौधरी, जो कि दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए गठबंधन से। हालांकि सीट को अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ऐसे इलाके जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जहां विकास कार्य नहीं हुआ है, सड़कें नहीं हैं, और जो इलाके हैं नरकीय ज़िंदगी जीने को लोग वहां मजबूर है। ऐसे में इनका दावा है कि 50,000 वोट से यहां जीतेंगे और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें आने जा रही हैं और इस बार अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन देखना होगा चुनाव के परिणाम आने के बाद किस तरीके समीकरण यहाँ आते हैं। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोज चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।